नड्डा जी ने क्या कहा कि रीजनल पार्टीज खत्म हो जाए इस देश में, एक नेशन वन पार्टी है। मैं नहीं कहती हूँ, नड्डा जी कह रहे हैं। मैं सिर्फ नड्डा जी को कहना चाहती हूँ कि आप कॉन्स्टिट्यूशन भूल गए, आप संविधान भूल गए। और मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को कोट करना चाहती हूँ। अम्बेडकर जी ने ऐसे कहा है, देर इज नो डेमोक्रेसी विदाउट द एग्जिस्टेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑपोजिशन। किसी की एक की मनमानी से देश नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। पार्लियामेंट की शान सुप्रिया सुले। नमस्कार। राज राष्ट्रीय अधिवेशन राष्ट्रवादी कांग्रेस में दिल्ली में आपका सब स्वागत करती हूँ। आप सबके चेहरे दिल्ली में देख के आज बहुत आनंद हो रहा है, क्योंकि हम सब जब दिल्ली आते हैं तो बहुत अकेला महसूस करते हैं। प्रफुल्ल भाई बोले वो बात सही है कि हमारी पार्टी ज़रूर छोटी है, लेकिन एक देश की राजनीति में एक बहुत बड़ी पार्टी है। और इसका उदाहरण अभी मैं और फैजल बात कर रहे थे कि पार्टी का जन्म 23 साल पहले हुआ। 23 साल में पहले 10 साल ये पार्टी पावर में देश दिल्ली में रही, और महाराष्ट्र में 23 साल में पहले 15 साल, उसके बाद 2.5 साल, 17.5 साल ये पार्टी सत्ता में रही है। मुझे नहीं लगता किसी का स्ट्राइक रेट इतना अच्छा है अभी तक। तो केरल में तो कब पहले से है, गोवा में भी रही है, हाँ मेघालय में भी रही है। तो स्ट्राइक रेट हमारे पार्टी का हमेशा सत्ता में रहने का है। तो जब थोड़ा सा हड़बड़ी हो जाती है तो थोड़ा सा कार्यकर्ता में नर्वसनेस आ जाता है, लेकिन जब थोड़ा सा फेलियर देखे तो जो सक्सेस है उसकी कीमत ज़्यादा अच्छी लगती है और ज़्यादा मीठा लगता है। और महात्मा गांधी के बारे में जो प्रफुल्ल भाई ने जी भी मिनट्स में कहा है, महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा से एक स्टेटमेंट रहा है कि हीरोज आर मेड इन द आवर ऑफ डिफीट, सक्सेस इज देयरफॉर वेल डिस्क्राइब्ड एज अ सीरियस ऑफ ग्लोरियस डिफीट्स। आपको अभी भी 2019 का इलेक्शन याद होगा, सब कह रहे थे कि एनसीपी पार्टी खत्म हो गई है, और सबसे ज़्यादा हमको 10 या 11 सांसद महाराष्ट्र में दे रहे थे। संजय बाबू आप कैसे लड़े पता भी नहीं, कैसे लड़े, हमने तो आपको गिना ही नहीं था। अब तो एमएलए भी बन गए और उसके बाद मंत्री भी बन गए, डबल लॉटरी बन गई। और 19 में जो परिस्थिति थी उससे अलग परिस्थिति आज है। 19 में लोग पार्टी खत्म हुई कह रहे थे, आज 22 में अगर किसी पार्टी की तरफ इस देश और महाराष्ट्र और हर आज सांसद भी जो पार्लियामेंट में देख रहा है, उस पार्टी का नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। और मैं थोड़ा डेटा में जाना चाहती हूँ, आपको अच्छा भी लगेगा सुन के कि लोकसभा में 545 सांसद है और राज्यसभा में 280, 280 में से सिर्फ 4 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हैं और 245 में सिर्फ 5 राष्ट्रवादी कांग्रेस पे है। लेकिन अगर आप पार्लियामेंट का परफॉर्मिंग डेटा देखें तो 280 में से पहले 5 टॉपर में से 2 एनसीपी के हैं, एक वंदना ताई है और एक फौजिया ताई। और 540 में भी पहले 5 में 3 टॉपर्स है, उसमें के 2 अमोल कोल्हे और फैजल, ये फर्स्ट टाइम एमपीज है। तो इतने बड़े 800 सांसदों के टॉप परफॉर्मेंस, 10 अगर आप परफॉर्मिंग देखें, ना हमारी कोई बड़ी संगठना का कोई स्कूल है, ना कोई रोज नोट्स देने वाला है, लेकिन हमारे जो विचार है और जो हमारी लीडरशिप कहती है उसको आगे ले गएना काम, अगर परफॉर्मेंस वाइज डेटा वाइज सबसे बड़ी पार्टी, जो इफेक्टिव पार्टी पार्लियामेंट में है और जिसका नंबर सबसे कम है लेकिन इफेक्टिव है, उस पार्टी का नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चीज़ हम सब के लिए है। मैं आज अमोल, फैजल, फौजिया जी और वंदना जी का तहे दिल से
आप सब की तरफ से, आप सब ने इस फर्स्ट टाइम को जोरदार उनका स्वागत करना चाहिए कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस पार्लियामेंट में सारे करते हैं। और इतना भी नहीं है, सामने वाले मंत्री लोग भी, फौजिया जी का मैं तो हमेशा कहती हूँ, इस देश के वाइस प्रेसिडेंट ने फौजिया जी और वंदना जी को, वो खुद भारतीय जनता पार्टी के बारे में अच्छा नहीं बोलते लेकिन बोलते भारतीय जनता पार्टी वाले को, अगर अच्छा MP बनना हो तो फौजिया और वंदना तैयार जैसा बनो, ये मैं नहीं कह रही, भारतीय जनता पार्टी कह रही है। तो ये माहौल बहुत अलग हो रहा है और जिस तरह से मेरे ख्याल से एक अलग वातावरण में आज हम राजनीति कर रहे हैं। मैं जिस कारण राजनीति आई वो ये, भुजबल साहब कह रहे थे बोले ED तो थी नहीं, मुझे ED कौन है ये भी पता नहीं था जब राजनीति में आई थी। जरूर संघर्ष था, लड़ाई थी, लेकिन वो विचारों की लड़ाई थी, लेकिन बात करते थे हम, संविधान की लड़ाई थी। और आज संविधान को कौन पूछ रहा है? नड्डा जी के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ। नड्डा जी ने क्या कहा कि रीजनल पार्टीज खत्म हो जाए, इस देश में एक नेशन वन पार्टी है। मैं नहीं कहती हूँ, नड्डा जी कह रहे हैं। मैं सिर्फ नड्डा जी को कहना चाहती हूँ कि आप कॉन्स्टिट्यूशन भूल गए, आप संविधान भूल गए। और मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को कोट करना चाहती हूँ। अम्बेडकर जी ने ऐसे कहा है, देर इज नो डेमोक्रेसी विदाउट द एग्जिस्टेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर अपोजिशन। The tyranny of majority is anti-ethical for democracy. This was primarily because he understood for the deeply plural fabric of India to be protected, it was important for us to have multiple parties. मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें हम लोगों से कहनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन NCP किससे चलती है? तो संविधान से चलती है। देश किससे चलना चाहिए? किसी की एक की मनमानी से देश नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की लड़ाई ये संविधान को रखने के लिए, B.R. अंबेडकर जी ने दो देश जिसके लिए बनाया है, जिसके लिए हजारों लोगों ने त्याग किया है, जिसका उल्लेख प्रफुल्ल भाई ने किया, भुजबल साहब ने किया, ये संविधान के लिए हमारी लड़ाई है। और इसके लिए हम सब ने पहले, मैं युवा और स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा ये कह रही हूँ, आप सब ने संविधान पढ़ना चाहिए। और मैं केरला सरकार की और PC चाको जी के तहे दिल से आभारी हूँ, क्योंकि संविधान का सबसे अच्छा प्रोग्राम किसी ने किया है तो हमारी केरला सरकार ने किया है। इन दिस एंटायर नेशन Kottayam district is the only district which is 100% constitutional literate, and NCP is an integral part of that government. I am so proud to say that. हम जब हमारी achievements कहते हैं तो हाँ, इस देश में एक ही जिला है। और मेरी कोशिश रहेगी, जो दादा से मेरी बात हुई थी, कि इसके बाद मैं और शिरूर में, जहाँ से अमोल कोल्हे आते हैं और दादा वहाँ के बहुत साल से पालक मंत्री रहे, हमने तय किया है कि इस देश का दूसरा डिस्ट्रिक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल इलिटरेट होगा वो अमोल का और मेरा और हम सब का पूना डिस्ट्रिक्ट रहेगा। उसके लिए हम फुल टाइम काम करेंगे। लेकिन कोट्टयम के बाद अशोकराव अपने ये काम पुढ़ कराए, क्योंकि संविधान से ही देश चलेगा। ये लड़ाई किस बात की है? ये जिस बारे में हर सब कोई कह रहा था, ये द्वेष की लड़ाई है, देश की लड़ाई नहीं है। हम सब जब कह रहे थे, हमारे शास्त्री जी ने कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने हमेशा कहते रहे, वसुदेव कुटुंबकम। हर प्राइम मिनिस्टर इस देश का जब यूनाइटेड नेशंस में जाता है तो ये बात बोल के आता है, बट यू हैव टू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। अब यूनाइटेड नेशंस में ऑल इज वन कहते हैं, और यहाँ आके जिस तरह से भाषण करते हैं, ये हमारे सब की सोचने की बात है और इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और मैं आज विद्याताई यहाँ बैठी है इसलिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन बिल्किस बानू की जब केस हुई तो इस देश में पहला आंदोलन किसने किया होगा? जो विद्याताई ने मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने किया। सब सोच रहे थे कि इसका आगे क्या होगा, करना ही नहीं, क्यों किसी को, बहुत लोगों को केस पता भी नहीं था। लेकिन जिस तरह से विद्याताई और उनकी सारी महाराष्ट्र की टीम, पहले रूपाली ताई वहाँ बहुत अच्छा उन्होंने टीम किया था, सारी हमारी जो महाराष्ट्र की महिला है उन्होंने जिस तरह से बिल्किस बानू जी क्या जो ये पूरा हुआ इशू, उसके बाद पहली बार आंदोलन इन्होंने किया और उसके बाद पवार साहब जब बोले तो देश में सारे भी चर्चा होने लगी। तो मेरे ख्याल से आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पे जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है और लोग हमसे तरफ देख रहे हैं। और एक दो चीज़ सिर्फ कहने के बाद मैं मेरा ये करूँगी, मेरा भाषण सुनाऊँगी, कि 2.5 साल में मैं 3-4 आपको उदाहरण गवर्नेंस के देना चाहती हूँ। व्हाई इज़ दिस पार्टी डिफरेंट? ये हमारी पार्टी
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में नए लोग क्यों जुड़े? ये सवाल मैं खुद को हमेशा पूछती हूँ, जो स्टूडेंट है, युवा है, इस पार्टी में ऐसी अलग क्या बात है? दिस पार्टी इज प्योरली अबाउट हाई परफॉर्मेंस पार्टी। मैं आपको दो तीन उदाहरण दूँ। यहाँ व्यासपीठ पर अजीत पवार जी बैठे हैं, मैं उनका सबसे लेटेस्ट आपको एक उदाहरण दूँ। सीएजी का रिपोर्ट ने कहा है कि इस देश में अगर फिस्कल मैनेजमेंट, मतलब पैसे का जो मैनेजमेंट सरकार चलाने में होता है उसको फिस्कल मैनेजमेंट कहते हैं, इस देश में सबसे अच्छा फिस्कल मैनेजमेंट कोविड में किसी सरकार ने किया हो तो वो महाविकास आघाड़ी ने किया, और उसके जो ड्राइवर के सीट में फाइनेंस मिनिस्ट्री चला रहे थे वो अजीत पवार जी थे। ये दिस इज वाई एनसीपी इज अ पार्टी विद अ डिफरेंस ऑफ ग्रेट गवर्नेंस। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, यहाँ और एक नेता बैठे हैं जिनका नाम राजेश टोपे है। इस देश में कोविड के टाइम में सबसे अच्छा हेल्थ मिनिस्टर कौन होगा, यह मैं नहीं कह रही हूँ, केंद्र सरकार का डेटा कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ, केंद्र सरकार का डेटा कहता है इस देश का सबसे अच्छा हेल्थ मिनिस्टर कोविड में कौन रहा है, वो मेरे राजेश टोपे रहे हैं, इससे ये भी डेटा सब कहते हैं। और इस अड़चन के काल में जिस तरह से एनसीपी का परफॉर्मेंस देश, मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं पेपर दिल्ली में खोलती थी, हर पेपर में कोविड फ्रंट पेज पे रहता था और कोट देश के मंत्री का नहीं था, वो राजेश टोपे महाराष्ट्र हेल्थ मिनिस्टर सेज रा। और मैं कहना नहीं चाहती थी, ये अच्छा नहीं है, लेकिन केंद्र के जो मंत्री थे मेरे, उनके बहुत अच्छे संबंध है, लेकिन उनके राजेश के भी संबंध है, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, उनकी ट्रांसफर हो गई लेकिन राजेश का प्रमोशन हो गया, ये एक बड़ी बात सबको याद रखनी चाहिए। तो जिस तरह से तीसरा ऋषि बाहर निकले होते, करेक्ट, तू जलना था बेटा, तो ये सब बहुत सारे अच्छे काम पार्टी ने किए। लेकिन मैं आज नेताओं गंज से आप हमारी सब की तरफ से कहना चाहती हूँ कि आप पार्टी को एक प्रोग्राम दीजिए, पार्टी के कार्डर को एक अच्छा अगर आप प्रोग्राम दें, यहाँ से उसकी ज़रूरत है। और मैं जयंत पाटिल जी की बहुत आभारी हूँ कि सबसे अच्छा प्रोग्राम जो जयंत पाटिल जी ने दिया था पार्टी में कि एक घंटा राष्ट्रवादी के साथ, उसका प्रोग्राम का नाम था एक तास राष्ट्रवादी सी। शुरू में दादा ने थोड़ा पहले शुरू किया, हमारा निर्वाचन क्षेत्र एक ही पड़ता है तो दादा ने फिर स्टार्ट किया, फिर मैं भी थोड़ा ढीली काम कर रही थी कि अरे एक घंटा अभी सैटरडे कौन छोड़ के जाएगा, लेकिन जैसे जैसे मैंने वो एक घंटा सैटरडे, सिर्फ एक घंटा, एक हमेशा एक सैटरडे जो पहला शनिवार महीने का होता है, एक घंटा पार्टी के लिए पार्टी मांग रही है, बस एक घंटा। और वो जब प्रोग्राम मेरे निर्वाचन क्षेत्र में शुरू किया, मुझे ऐसा पता चला कि पार्टी में इतना टैलेंट है कि वो जो छोटा छोटा कार्यकर्ता जो मेहनत करता है, जो झंडा लेके घूमता है, जो संघर्ष करता है, उसको न्याय देने के लिए कोई अच्छा प्रोग्राम हो तो सबसे अच्छा ये एक घंटा राष्ट्रवादी कांग्रेस का है। तो मैं पवार साहब को और प्रफुल्ल भाई को विनती करूंगी कि ये प्रोग्राम, एक महाराष्ट्र का जो प्रोग्राम है वो देश का एक प्रोग्राम हो, आज के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस का हर कार्यकर्ता हर महीने एक घंटा तो अपने कार्यकर्ता से बोलेगा, उसका दुख सुख सुनेगा, पार्टी के बारे में बात करेगा, देश राज्य में क्या चल रहा है इसके बारे में बात करेगा, और फिर आगे की प्लानिंग होगी, क्योंकि संगठन को ताकत करना ये बहुत जरूरी है। जब हम पावर में होते हैं तो संगठन देख के लिए किसी को टाइम नहीं होता है, लेकिन अभी 1.5-2 साल ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अब महाराष्ट्र में तो जो लड़ रहा है वो 2024 की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अभी महाराष्ट्र में 2024 की नहीं लड़ रहा है, पहले वो कार्यकर्ता के लड़ेगा, जिला परिषद कॉरपोरेशन की लड़ाई पहले लड़ेगा, उसके बाद वो जो लोकसभा की बात करेगा। अभी भी जो भी आ रहा है वो बारामती जा रहा है, सबका स्वागत है, अच्छा है, बारामती देखने लायक है ही,
जैसे सब दुनिया दुबई जाती है वैसे इंडिया में सब बारामती जाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सब बारामती आते हैं, तो बारामती तो सब आए, अच्छी बात है, लेकिन आते वक्त वो सब लगे हुए, आज कई महिलाएं वैशालिताई और वगैरह सब कल मुझे मिलने आई थी, अरे लोकसभा की तैयारी के लिए लगेंगे, मतलब लोकसभा 1.5-2 साल पहले है, उसके पहले हमारे लाखों कार्यकर्ताओं की लड़ाई है, पहले हम कॉरपोरेशन, नगर पालिका, महानगर पालिका, जिला परिषद की तैयारी करेंगे, उसके बाद हम लोकसभा तैयारी करेंगे। तो आज ये लोकसभा की तो हर सब तैयारी चलती रहेगी, लेकिन आज महाराष्ट्र का हर कार्यकर्ता जो लड़ना चाहता है उसके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ये अधिवेशन है। तो मेरी सबसे विनती है कि आज एक अच्छी सोच लेके, एक क्लैरिटी लेके यहाँ से हम चले, संविधान के बारे में लोगों से बात करें, खुद पहले पढ़े, उसके बाद बाकी उनको पढ़े। तो हमेशा संविधान हो और हमारी सोच क्या, हमारी आइडियोलॉजी क्लैरिटी क्या है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम सबको साथ लेने चाहते हैं, और हमारी किसी की पर्सनैलिटी से तो है ही नहीं। अब पार्लियामेंट में हम सबका रिकॉर्ड देखिए, कोई हम लोग वेल भी नहीं जाते, बीच में भी जाते, झगड़ा भी नहीं करते, किसी को कॉलर वॉलर पकड़ते नहीं है। और ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस देश में एक ही दो ही पार्टियां है जो कभी वेल भी नहीं जाती, ये प्रधानमंत्री कहते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, एक ओडिशा की पार्टी है बीजू जनता दल और एक पवार साहब की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। हमेशा एक कल्चरल है, हमारी लड़ाई किसी से इंडिविजुअल नहीं, हमारी लड़ाई विचारों की लड़ाई है, इसलिए हर कार्यकर्ता पे ज़्यादा जिम्मेदारी है। इस सारी सोच की आज जो पवार साहब का भाषण था, आप थोड़ा सा आप चाइना वाइना सोच रहे हैं, मुझे क्या चाइना से लेना देना, हम हमेशा कहते हैं कि चाइना से हमेशा हम सबको सतर्क रहना है, और सतर्क रहना है क्योंकि आपको याद होगा जिस दिन मोदी जी की पहली ओथ हुई थी, उस ओथ में हमारे सारे नेबर्स आए थे, हर नेबर आया था, हर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, हमारे सारे नेबर्स आए थे, और आज हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स की पॉलिसी के कारण हमारा कोई नेबर हमसे बात नहीं कर रहा है। तो ऐसे 7-8 साल में क्या हुआ कि जो हमारा दोस्त था, जो अतिथि बन के मोदी जी के स्वागत में भारत आया था, वो आज भारत से बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। और इस सारी चीज़ें, ये जो इंस्टेबिलिटी और वॉलेटाइल जो चीज़ें हमारे अगल बगल में हो रही है, उसका इम्पैक्ट आज नहीं तो कल हमारे राज्य पे होगा, हमारे इकोनॉमी पे होगा, और आप सब पॉलिटिकल वर्कर्स है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी चाहिए। राष्ट्रवादी का बहुत अच्छा मैगजीन भी निकलता है, वो भी आप पढ़िए, और पढ़कर एक अच्छा जिम्मेवार कार्यकर्ता, क्योंकि हर राष्ट्रवादी का काडर का कोई अजीत पवार बनना चाहता है, कोई राजेश टोपे बनना चाहता है, कोई अशोक पवार बनना चाहता है, कोई शशिकांत सिन्ने बनना चाहता है, लेकिन ये सब नेता बड़े हुए हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत की है और हमेशा पढ़कर बोलते हैं। इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हर नेता कार्यकर्ता ये रास्ते पे कुछ न पार्लियामेंट में गलत करता है, न असेंबली में करता है, न रास्ते पे करता है, वो संविधान से ही चलता है और आगे भी संविधान से ही चलेगा। आज आप दिल्ली आए, आप सबका तहे दिल से स्वागत करके ऐसे अधिवेशन पार्टी ने लेके हम सबको आगे की हमारी रणनीति क्या है इसमें मार्गदर्शन करते रहे। इतना ही सब हमारे सीनियर्स को कह के, सोनिया, धीरज और आपकी सारी टीम का बहुत बहुत आभारी, बहुत अच्छा प्रोग्राम आप सब ने यहाँ किया, इसके लिए आप सबकी आभारी हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी।